हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी में संचयन पुस्तक के अंतर्गत पाठ एक का अध्ययन करेंगे। पाठ एक का नाम है हरिहर काका। आज हम इस कहानी का भाग दो पढ़ेंगे। हरिहर काका देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे थे महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं। हरिहर काका के मन में महंत जी की बातें बहुत गहरा प्रभाव डाल रही थी। वो सोच रहे थे जब वह अपने हिस्से की 15 बीघे खेती परिवार के लोगों को देते हैं तब भी उनकी यह हालत है, अगर उनके पास यह ज़मीन न हो तो फिर उनके परिवार के लोग उनकी क्या हालत करें। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उनका मानना था अभी तक अपने जीवन में उन्होंने ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया, तो क्यों ना महंत जी की बातों को मानकर वह अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह सोचा तो दूसरे ही पल उनके मन में विचार आया कि भाई का परिवार भी तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुरबाड़ी में ज़मीन को दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। अर्थात उनका मन यह काम करने को भी तैयार नहीं था कि वह अपने हिस्से के 15 बीघे खेत ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। अर्थात महंत जी ने जब अपनी बातों को हरिहर काका के सामने प्रस्तुत कर दिया तो हरिहर काका के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ा यह जानने के लिए वो उनके मुंह की ओर देखने लगे। परंतु हरिहर काका ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आँखों से छिप न सके। अर्थात वो समझ गए थे कि उनका वार सही जगह पर लगा है। अर्थात हरिहर काका के मन में हलचल उत्पन्न हो चुकी है और अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने उसी समय अपने ठाकुरबाड़ी के सेवकों से हरिहर काका के लिए एक सुंदर कमरे में एक सुंदर पलंग की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वादिष्ट भोजन बनाने की व्यवस्था करने के लिए कहा। उन्होंने पुजारी जी को भी ये समझा दिया कि हरिहर के लिए एक विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुरबाड़ी में अब चहल पहल शुरू हो गई थी। हम सभी जानते हैं कि महंत जी का यह विशेष उद्देश्य क्या था। वह हरिहर काका के 15 बीघे खेत ठाकुरबाड़ी के नाम करना चाहते थे और वह इसी काम को पूरा करने के लिए छल प्रपंच में लग गए थे। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उनको सारी बात का पता लगा तो पहले तो वह अपनी पत्नियों के ऊपर बहुत नाराज हुए, उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई और फिर शाम होते होते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुंच गए अपने भाई को लेने के लिए। लेकिन महंत जी ने और पुजारी जी ने उन्हें मना कर दिया कि आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, इसे घर मत ले जाओ। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे थे। इस समय पर ठाकुरबाड़ी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गाँव के लोगों ने भी कहा कि एक दिन ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः आखिरकार भाइयों को निराश हो वहां से लौटना पड़ा। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले थे वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। अर्थात महंत जी ने, पुजारी जी ने उनके लिए जो भोजन की व्यवस्था की थी वो बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। उसमें पनीर की सब्जी, दही, खीर और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बने थे जैसे हरिहर काका ने पहले कभी नहीं खाए थे। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन को मतती रही। भावी आशंका अर्थात उन्हें भय होने लगा था कि कहीं उनके हाथ से 15 बीघे जमीन नहीं निकल जाए। इसलिए सुबह तड़के ही अर्थात सुबह जल्दी तीनों भाई पुनः ठाकुरबाड़ी पहुँचे। हरिहर काका के पांव उन्होंने पकड़ लिए, अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी और उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही साथ खून के रिश्ते की माया फैलाई अर्थात खून के रिश्तों की दुहाई दी। हरिहर काका का दिल पसीज गया, वह पुनः वापस घर लौट आए। इस तरह तीनों भाई अपने रूठे हुए भाई हरिहर काका को वापस लेकर घर लौटे। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया
उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। हरियर काका ने देखा कि जब तीनों भाई उन्हें घर लेकर आए तो घर का पूरा माहौल बदल चुका था। उनके भाइयों की पत्नियां, उनकी तीनों भाइयों की तीन पत्नियां और दो उनके भतीजों की बहुएं उनकी सेवा में लगी रहती। उनके लिए एक सुंदर कमरे की व्यवस्था की गई, उसमें पलंग बिछाया गया और दोनों समय नाश्ते और भोजन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था उनके लिए की गई थी। हरियर काका आराम से दालान में पड़े रहते। जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही अब वह हाजिर हो गई थी। हरियर काका यह सब समझ गए कि यह सब आराम का प्रबंध महंत जी की कृपा से ही हो रहा है, इसलिए मन ही मन वह महंत जी को आदर और सम्मान दे रहे थे। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं, अर्थात बिना किसी के कुछ बताए ही लोगों को बहुत सारी बातें पता चल जाती है, चाहे किसी ने नहीं कहा हो। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। न तो हरिहर काका ने अपने परिवार की किसी बात को गांव के किसी व्यक्ति से कहा था और न ही ठाकुरबाड़ी के महंत और पुजारी ने कोई बात किसी से कही थी, परंतु फिर भी गांव के लोग तरह तरह की बातें इस विषय में करने लगे थे। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। इसके विपरीत कुछ लोगों का कहना था कि उनको अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम लिख देनी चाहिए। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। अपनी जायदाद भाई के परिवार को न देना उनके साथ अन्याय करना होगा, क्योंकि खून के रिश्ते के बीच यह दीवार बनानी होगी। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो खून के रिश्तों के बीच एक दीवार बन जाएगी। इस तरह से गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन नहीं होना चाहते थे। अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो, अर्थात कोई घटना घटित हो, लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग दो वर्गों में बट गए थे। एक वर्ग के लोग में कुछ धार्मिक संस्कारों के लोग थे, वह किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हुए थे। असल में वह लोग सुबह शाम ठाकुर जी को भोग लगाया जाता था, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ लोग पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते थे। यह कुछ ऐसे लोग थे जिनका मानना था कि हरियर काका को अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देनी चाहिए। परंतु इसके साथ ही साथ गांव में एक दूसरा वर्ग था जो गांव के प्रगतिशील विचार वाले लोगों का था और किसानों का था। इनके यहाँ पर हरिहर काका जैसे औरत और मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे। इधर भावी आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए हरियर काका के भाई उनसे ये निवेदन करने लगे थे कि अपनी ज़मीन वह उन्हें लिख दें। अब हरियर काका के जितीदो भाई थे, वह भी किसी अनहोनी के घटित होने की आशंका से बार बार हरिहर काका के ऊपर दबाव बना रहे थे कि वह अपनी ज़मीन उनके नाम कर दे, परंतु हरिहर काका ने ऐसा नहीं किया। अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी जाए, लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया था। हरिहर काका ने देखा कि उनके गांव में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीते जी अपनी ज़मीन उनके परिवार के सदस्यों के नाम कर दी, उनके भाइयों के या उनके भाइयों के बेटों के नाम कर दी थी। अब उनका जीवन अत्यंत दुर्गति से गुजर रहा था, इसलिए वह ऐसा नहीं करना चाहते थे। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते वह उनसे कह उठते, विलंब न करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते। यह शुभ काम कौन सा था कि वह अपनी ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें। चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन वय कर दो, फिर पूरी ज़िंदगी ठाकुरबाड़ी में राज करोगे। मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा और तुम देवलोक को प्राप्त करोगे। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और ना कहकर वे महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वो महंत जी की कृपा से ही मिल रही थी। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी।
महंत जी ने जो सारा छल प्रपंच किया था वह एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया था, लेकिन तब महंत जी को लग रहा था कि समय बहुत अधिक व्यतीत हो गया है और वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए अब वह चिंतित हो रहे थे। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे उनकी जमीन ठाकुरबाड़ी को लिखवाने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं, बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। अर्थात महंत जी के दिमाग में एक नई योजना आई, उन्होंने सोचा कि हरिहर काका का अपहरण कर लिया जाए और जबरदस्ती उनसे उनकी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करवा ली जाए। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। कहानी में बताया गया है कि ठाकुरबाड़ी का जो महंत था, महंत को बहुत ही सज्जन, विनम्र, दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, परंतु इस कहानी में बताया गया है कि गांव का जो महंत था वह इन गुणों के विपरीत था। वह लड़ाकू और दबंग, दबंग अर्थात जो किसी से डरता नहीं है, इस प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए वह जी जान से जुट गए। यहाँ पर महंत जी की योजना थी कि हरिहर काका का अपहरण कर लिया जाए और जबरदस्ती उनसे अंगूठे का निशान लेकर जमीन के कागजों पर उनकी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर ली जाए, और वह इस योजना को पूरा करने में लग गए थे। बात अभी हाल की ही है, आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। महंत, पुजारी जी और उनके कई जो साधु संत थे, ये हथियारों से लैस होकर हरिहर काका के घर पर आए और जबरदस्ती हथियारों के दम पर उनको अपनी पीठ पर लाद कर उनका अपहरण कर वहाँ से ले गए। और हरिहर काका के तीनों भाई कुछ समझ नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए और ये घटना घटित हो गई। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी न ही सुनी थी, सारा गांव जाग गया था और गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले, उन्हें लगा कि यह महंत का काम है, इसलिए दल बल ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे। अर्थात वह दल बल के साथ ठाकुरबाड़ी अपने भाई को लेने के लिए जा पहुँचे, लेकिन ठाकुरबाड़ी के बाहर खामोशी और सन्नाटा था, जैसे वहाँ पर कोई भी न हो। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते, जब उन्हें लगा कि ठाकुरबाड़ी के बाहर बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है, यहाँ तो कोई नहीं है, तो वो दूसरी दिशा की ओर जाने लगते। इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी, अर्थात लोगों का समूह जो धीरे धीरे कुछ बातें कर रहा था ऐसा उनको सुनाई दिया। सबके कान खड़े हो गए, उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। अब क्या सोचना, वे ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे। ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। जैसे ही हरिहर काका के भाइयों ने और वह कुछ लोगों को अपने साथ लेकर गए थे, जब उन्होंने ठाकुरबाड़ी का दरवाज़ा पीटा तो उन्होंने क्या देखा कि ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिर रहे थे। वे तितर बितर होने लगे, अर्थात वह बचाव के लिए इधर उधर होने लगे। अपने हथियार उन्होंने संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबाड़ी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई और हरिहर काका के भाई जिन लोगों को अपने साथ ले गए थे उनमें से एक नौजवान के पैर में चोट लग गई थी। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए, बाकी सब उनको छोड़कर चल गए थे डर के मारे। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव जान नहीं पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। हरिहर काका के भाई समझ गए थे कि यहाँ पर अब उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ठाकुरबाड़ी के जो साधु संत थे वे हथियारों से लैस हैं, उनके पास बंदूकें हैं, अतः वह उनसे लड़ नहीं सकते, तो वह पुलिस थाने की ओर बढ़ गए थे। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। इधर ठाकुरबाड़ी के अंदर क्या दृश्य चल रहा था, उधर तो हरिहर काका के भाई पुलिस थाने की ओर चले गए और इधर ठाकुरबाड़ी के अंदर जो महंत, पुजारी और अन्य साधु संत थे वे हथियारों के दम पर एक सादे कागज पर हरिहर काका के अंगूठे का निशान जबरदस्ती लगवा रहे थे।
अब हरिहर काका समझ गए थे कि महंत जी की सच्चाई क्या थी। जिस महंत को वो आदर और श्रद्धा का पात्र समझ रहे थे, अब वह उनके लिए बहुत ही पापी और घृणित हो गया था। अब उन्हें अपना भाई का परिवार अच्छा लग रहा था। एक और ठाकुर बाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बाड़ी आ पहुँचे। पुलिस की जीप में कुछ लोग थे, उन्होंने ठाकुर बाड़ी को चारों तरफ से घेरा डालना शुरू किया। ठाकुर बाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुर बाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल वो सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बाड़ी पहुँचेंगे तो ठाकुर बाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक भी रोड़ा बाहर नहीं आया और न ही अब कोई फायरिंग वहाँ से हो रही थी। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुर बाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ लगा रहे थे।